Hello guys, I'm Shashank and मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है स्टडी स्टेनो जॉब्स का। यस, आज का वीडियो रिलेटेड है स्टेनो से। तो क्योंकि ASRB के जो एडमिट कार्ड थे रिटर्न के वो आ चुके हैं और रिटर्न क्लियर करने के बाद सीधा हमारी स्टेनो होगी। तो मे भी क्या पता 2 मंथ बाद हो रिटर्न एग्जाम के बाद, क्या पता 1 मंथ बाद हो, और माइट भी 3 मंथ बाद भी हो सकता है। तो क्योंकि स्टेनो सीखने के लिए 3 मंथ काफ़ी है, मतलब अगर मेहनत करने वाला है तो बिल्कुल वो 3 मंथ में सीख सकता है, इसको 1 साल का कोर्स नहीं मानना है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा शॉर्ट हैंड के बारे में बता देता हूँ। शॉर्ट हैंड का मतलब क्या होता है? शॉर्ट हैंड का मतलब ये है, हिंदी में शॉर्ट हैंड को बोलते हैं आशुलिपि। अगर हम किसी वाक्य को लिख रहे हैं अपनी भाषा में और हमें उसको थोड़ा शॉर्ट करना है और हमें उसे जल्दी से लिखना है तो हम शॉर्ट हैंड का यूज़ करते हैं, आशुलिपि का यूज़ करते हैं। तो आशुलिपि किसी भी शब्द को आसानी से लिखने वाली एक लिपि है जो करने वाले पर डिपेंड करता है वो कैसे कर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 4 बातें मेन इंपॉर्टेंट जो होती हैं स्टेनो करने वाले के लिए वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि हिंदी शॉर्ट हैंड जो मैनुअल है वो हमारे लिए प्रणाली है, वो सेम प्रणाली है, इससे हम स्टेनो करेंगे। तो मैं आपको चार बातें बताना चाहता हूँ कि जो सीखने वाला है, जो स्टेनो करने वाला है, वो कुर्सी पर स्ट्रेट बैठेगा, सीधा बैठना चाहिए, इससे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। ये जो पोस्चर होता है ये आपको स्टेनो करने में काफ़ी मदद करता है। नेक्स्ट है, कॉपी मेज के किनारे से समांतर है। जो कॉपी है जिस पर आप स्टेनो कर रहे हो और जिस मेज पर कर रहे हो दोनों समांतर होनी चाहिए, उबड़ खाबड़ वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए उसमें। नेक्स्ट है, शरीर का बोझ बाएं हाथ पर रखना चाहिए जिससे दाहिने हाथ पर बोझ ना पड़े। अगर आप राइटिंग हैं तो आपको जो बोझ है वो लेफ्ट हैंड पर होना चाहिए, ना कि राइट पर। नेक्स्ट है, दाहिने हाथ की कलाई को मेज या कॉपी पर ना टिकना दें। दाहिने हाथ मीन्स अगर आप राइटिंग हैं तो लेफ्ट हैंड को आपको मेज पर नहीं टिकाना है और कॉपी पर भी नहीं टिकाना है। तो गाइस ये कुछ 4 चीज़ें हैं जो आपको लिटिल बिट स्टेनो करते टाइम फॉलो करनी है। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं स्टेनो की तरफ। मैं आपको स्टार्टिंग में व्यंजन करवाऊंगा क्योंकि व्यंजन जब आप सीख जाएंगे उसके बाद ही स्वरों की बारी आएगी। तो देख लेते हैं व्यंजन कैसे कैसे बनाए जाएंगे और मैं इससे रिलेटेड हर दिन एक एक वीडियो डालता रहूँगा, आपको एक्सरसाइज दूंगा जिससे आप स्टेनो अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और एक टाइप से आपका होमवर्क हो जाएगा कि ये आपको होमवर्क करना होगा। हर दिन मैं एक एक होमवर्क देता रहूँगा, अगर आप करते हैं तो अच्छी बात है और नहीं करेंगे तो वो आपके लिए ही मुसीबत की बात होगी अगर आप स्टेनो करना चाहते हैं तो। और हाँ, जो लोग कहते हैं कि ये 1 साल का कोर्स है, 2 साल का कोर्स है, कोई तो इतना बोलते थे कि आपकी ग्रेजुएशन इसी में हो जाएगी स्टेनो में 3 साल, तो बिल्कुल झूठे। अगर आप मेहनत करने वाले हो तो आपके लिए 3 महीने बहुत है स्टेनो करने के लिए, स्टेनो सीखने के लिए, और लिखना आप सिर्फ 1 महीने में सीख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ व्यंजन क, ये सारे व्यंजन हैं हमारे और इनको कैसे कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आता है हमारा का। इसमें थोड़ा गाढ़ा और हल्के का काफ़ी फर्क पड़ता है, जैसे कि मैं आपको का बना के दिखाता हूँ कि व्यंजन स्टेनो में का को कैसे बनाया जाता है। तो जो इसकी लेंथ होगी, एक तो पहले तो स्ट्रेट हो गई और जो इसकी लेंथ होगी वो होगी 1 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए उसकी लेंथ, 1 सेंटीमीटर से कम और 0.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। हमारा जो का होता है वो थोड़ा हल्का होता है और ऐसे स्ट्रेट होता है लाइन पे। मैं एक लाइन खींच देता हूँ जिससे आपको थोड़ा बेनिफिट मिलेगा, जैसे हमारी एक कॉपी की लाइन है, ये हमारी कॉपी की हुई लाइन, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग का यहाँ पर आएगा लाइन पर, और खा देख लेते हैं। खा भी इसी की तरह ही होता है सेम, लेकिन डिफरेंस क्या होता है, का जो होता है वो आपका
कटा हुआ होता है। अब चाहे आप इसको ऐसे काट दो या ऐसे काट दो, फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ इसे काटना है ताकि आप समझ सके कि ये क्या है। उसके बाद बारी आती है ग की। ग थोड़ा गाढ़ा होता है, घा थोड़ा गाढ़ा होता है और घा घा भी गाढ़ा होता है, बट डिफरेंस क्या होता है, ये कटा हुआ होता है। काट आप दोनों तरीके से सकते हो, काट दोनों तरीके से सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास रा। तो जो रा बनता है वो मैं आपको थोड़ा बना के दिखा देता हूँ। ये भी ये थोड़ा गाढ़ा बनता है, लाइन पर ही बनेगा ये भी, ये ऐसे बनता है। थोड़ा मिटा देता हूँ इसको, सही नहीं बनाया। जब करना होता है वो ऐसे बनता है। मैं थोड़ा आपको डायग्राम से बता डायग्राम बना के बता देता हूँ कि रुमाल जो बनता है वो बनता कैसे है। आपको जो रुमाल बनाना है वो ऐसे बनाना है, जैसे सर्कल है और ये इसकी जीवा है। तो जो ये वाला शेप है, ये इसकी तरह ये बनता है। तो ये वाला शेप है इसका, ये वाला ऐसे ही बनता है ये। मैं दोबारा से आपको बना के दिखाता हूँ इसको, बट आपको समझना है, आपको ठीक से बनाना है इसको ताकि आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। लगभग ऐसे बनता है नॉर्मल। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैं पहले यहाँ पे लाइन खींच लेता हूँ जिससे आपको आसानी से समझने में। मैंने यहाँ पे ऊपर एंगल लिखे हुए हैं 60 0, ये मैं आपको थोड़ा आगे जाके समझाऊंगा कि ये होता क्या है, ठीक है। जो अब हमारा चा होता है वो थोड़ा हल्का होता है, ये चा तिरछा होता है और ये चा ऐसा होता है, और ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, बट वैसे इसकी लेंथ थोड़ी कम होती है। हाँ इतना सही चा होता है, थोड़ा झुका हुआ होता है ऐसे में। चा जो बनता है हमारा वो ऐसे बनता है, लेकिन ये कट जाता है। आप इसे कैसे भी काट सकते हो, इट डजंट मैटर, बट ये कटा हुआ होना चाहिए। फिर बारी आती है जा की। तो जा जो है हमारा वो थोड़ा गाढ़ा होता है, बट इनकी थोड़ी हाइट कम होगी। आप इसे धोखा ना खाएं, इनकी थोड़ी हाइट जो है वो कम होगी, ये थोड़े छोटे होते हैं। फिर है जा। जा भी मोटा होगा, गाढ़ा होगा, लेकिन कटता हुआ होगा। तो आपको इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है कि आपको का कैसे बनाना है, चा कैसे बनाना है, छा कैसे बनाना है, जा कैसे बनाना है। आप इसको जैसे जैसे आप वीडियो देख रहे हो आप इसको रिकॉर्ड करते रहे और अपनी कॉपी लिख कर इसे बनाते रहें, जिससे आपको ईजी रहेगा और आप इसको सेव भी कर सकेंगे। अब बारी है टाके। एक लाइन खींच देता हूँ जैसे आपको अब थोड़ा आपको मैं टा बता दूँ ये टा बनता कैसे है। मैंने यहाँ पे एक सर्कल खींचा, उसमें एक जीवा बनाई, इसकी जीवा हुए। तो जो ये वाला शेप है इसका, ये वाला वैसे ही बनता है टा। आपको इस शेप की तरह ही टा बनाना है, ये वाला जो शेप है ये वाला। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा टा। है वो लाइन पे बनेगा, छोटा बनते सारे शब्द जो होंगे वो छोटे बनेंगे, सॉरी गाढ़ा नहीं बनेगा। ये थोड़ा हल्का बनता है, टाका जो शेप होता है वो ऐसा होता है।
और ड का शेप जो होता है वो हल्का होता है लेकिन कटा हुआ होता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, का खा ग होते सारे सेम है, हो के सारी सीक्वेंस सबकी सेम होती है, बट ये थोड़ा जो बीच बीच वाले होते हैं वो थोड़ा कट जाते हैं। अब जैसे टाटा ड हो गया, जो ड होगा वो थोड़ा गाढ़ा होगा, ये देखिए। उसके बाद ढा गया, ऐसे ही बनता है। इसको थोड़ा गुलाई का शेप आना चाहिए जिससे आप समझ जाएं कि ये ढा है, ये टा वाली लाइन का है। तो वो ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट रहता है कि आप उसको थोड़ा समझें। ये हो गया, ये थोड़ा कट जाएगा। तो इसमें आपको ध्यान देना है गाढ़े और हल्के का। अब हमारे पास है ना, वो कैसे बनेगा, वो ये इसको बनाने के दो तरीके होते हैं, आपको थोड़ा बता देता हूँ दो तरीके कौन से होते हैं और ये थोड़ा गाढ़ा ये बनता है। एक तो होता है, एक तो हम ऐसे बना सकते हैं इसको, एक ही तरीका होता है। और ध्यान रखिए ये ऊपर के लिए बनता है, नीचे से ऊपर के लिए ही हम इसे बनाते हैं, तो आपको उससे खास ध्यान रखना है ढाका। और एक होता है ऐसा, दोबारा बना देता हूँ इसको, थोड़ा गाढ़ा होगा, इसको थोड़ा गोलाई का शेप आना चाहिए। हाँ, तो आपको जो बड़ा होगा वो ऐसा बनेगा, लेकिन आपको बनाने का तरीका देखना है कि ये ऐसे में ही बनेगा, ऊपर से नीचे आएगा और ये वाला नीचे से ऊपर जाएगा। तो आपको उसका थोड़ा ध्यान देना है, और जब आप प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे करके तो वो हो जाएगा क्लियर, ठीक है। तो चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि हमारे पास है ता, तो अब हमारा ता कैसे बनेगा देख लेते हैं कैसे बनेगा। ये बनता है 90 डिग्री में सीधा स्ट्रेट, ता बनता है सीधा, ये हो गया। ता भी होता है सीधा लेकिन कटा हुआ, दा होता है सीधा लेकिन गाढ़ा होता है। ये स्टार्टिंग के दो हल्के होते हैं और लास्ट के दो गाढ़े होते हैं। और हाँ, आप इनको छोटा बनाएं ताकि आपको कॉपी में बनाने में इजी रहे। ये हो गए ता था द ध। अब हमारे पास है ना, तो मैं थोड़ा आपको ना का थोड़ा डिजाइन बता देता हूँ कैसे होगा। ना हमने गोला बनाया और इसको जो है यहाँ से कर दिया, तो जो ये शेप है ये वाला होता है ना का, ऐसे बनता है ना। आप बोलेंगे कि जो गांव बनाया था वो भी ऐसा था, लेकिन जो गांव था काका गाना वो थोड़ा गाढ़ा था, ये हल्का होगा। देख लेते हैं कैसे होगा, उठा के देख लेते हैं उसको। ये बनेगा आपका वैसे ही बनेगा लेकिन थोड़ा हल्का होगा, शेप क्लियर नहीं आ रहा, ये ऐसे बनेगा आपका, ठीक है। ये हो गए हमारे त थ ध, स्ट्रेट बनते हैं 90 डिग्री पर। अब लास्ट है हमारा प फ, लास्ट नहीं सॉरी लास्ट नहीं है, पा कैसे बनता है। पा का भी सेम है, स्टार्टिंग के दो हल्के और लास्ट के दो गाढ़े।
थोड़ा गाढ़े। माइंड थोड़ी तिरछी हो गई। ये इसमें बनता है 180 का, और आप ध्यान रखें कि ये ऊपर से नीचे आएगा, इसका थोड़ा मेन ध्यान रखें, ये ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, जैसे मैं बना रहा हूँ आप वैसे ही बनाएं इनको। का हो गया, अब ये हो गया फा, बस ये कटेगा वैसे ही, बा ये आएगा तो वही लेकिन गाढ़ा होगा, और जो भाव होगा वो भी बनेगा ऐसे, लेकिन ये जो है ये कटेगा। अब माँ, माँ कैसे बनेगा? देखिए माँ जो बनता है वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, माँ जो कैसे बनता है, ये सर्कल है और ये उसकी जीवा है, तो जो ये वाला पोर्शन रहता है, ये वाला, वैसे ही माँ बनता है, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ थोड़ा, और ये हल्का बनेगा, डायग्राम को मिटा देते हैं पहले, देख लेते हैं माँ कैसे बनेगा। देखिए माँ जो है वो ऐसे बनेगा, थोड़ा इसका शेप गोल नहीं आ रहा है, ट्राई करते हैं, बट हाँ ये सब आपको छोटे बनेंगे, ये ऐसा आएगा ना। ये हो गए हमारे पावर। अब हमारे पास आता है सर अलावा, जो यह होता है हमारा वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनता है, उसको थोड़ा आपको सीखना पड़ेगा। और जो यह होता है वो हल्के में होता है, देख लेते हैं कैसे बनेगा। ये ऐसे में बनता है ये, और रा भी हल्का होगा, ये देखिए हल्का होगा, इसमें सिर्फ गाढ़े और उसका ही डिफरेंस है, गाढ़े और हल्के का बस, अदरवाइज और कोई डिफरेंस नहीं है। बड़े आसानी से समझा जा सकता है इनको, ये शेप थोड़ा सही नहीं बना सकता, जोड़ा हमारा ऐसा बनेगा। मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्शन इसकी, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो ऊपर ऊपर से होगी, नीचे से लेकर ऊपर बनाना है, और ये नीचे से ऊपर से नीचे, ठीक है। ला देख लेते हैं, ला कैसे बनेगा, जो ला है हमारा वो भी हल्का होता है, और देखते हैं कैसे बनेगा ला। ला हमारा नीचे से ऊपर के लिए बनता है ऐसे में, ला है वो ऐसे में बनेगा आपका। डायरेक्शन शो कर देता हूँ मैं इसमें, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो नीचे से लेकर ऊपर के लिए होगी। तो आपको जो है डायरेक्शन का मेन ध्यान करना पड़ेगा कि डायरेक्शन कैसे देनी है आपको, और कैसे आपको ये बनाना है, वरना फिर सारे शब्द आपको जैसे ही लगेंगे। तो आपको डायरेक्शन का मेन ध्यान देना है। देख लेते हैं वाह कैसे बनेगा। जो हमारे पास वाह होता है वो हल्का होता है, और ये बनता है ऐसे, ये थोड़ा इसका अंकुश जो था वो घूम जाता है, और ये वाह बन गया। तो यार अला वाह हो गए, इसको आप ध्यान से देख लें। अब हम बढ़ते हैं नीचे की तरफ, शा शा शा, जो शा होता है देख सकते हैं, तो जो शा होता है हमारा वो हल्का होता है, देख लेते कैसा बनेगा। जो शा होता है वो ऐसे बनता है,
और जो श होता है वो भी सेम इसी की तरह ही बनता है, वो हम शब्दों के अनुसार समझ लेते हैं कैसा बनेगा। और स जो होता है जैसे ट होता है, ट ऐसे में बनाते हैं, और ये वाला जो सा होता है वो हम ऐसे में बनाते हैं, सी इस साइड का सी। और ये सब हल्के होते हैं तो इसका ध्यान रखें थोड़ा। ये हो गया आपके शाह। मैं आपको थोड़ा ये वाले शाह बता देता हूँ दोबारा से। ये जो शाह होते हैं ना थोड़े घूमे हुए होते हैं, ये ऐसे में, ये ऐसे में। तो ये सा 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 और हा जो होता है हमारा वो हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो इस मेथड से, मीन्स इसमें डायरेक्शन बहुत मैटर करती है। ये देखिए ये ऊपर के लिए जाएगा और ये नीचे के लिए। तो जो हमारा हाँ है वो ऐसा बनता है, दोनों डायरेक्शन से बना सकते हैं, किसी का दोनों में से एक का यूज़ करना है बस। जितने भी मैंने आपको दो दो चीज़ें बताई हैं उनमें से किसी एक का यूज़ करना होता है हमें। तो ये हो गया हमारा शाह स स हा, हो गया हमारा व्यंजन। और ये लास्ट के जो बच्चे हैं इनको भी देख लेते हैं कैसे बनेंगे। तो ये बनते हैं, इसमें अक्षर जो होता है वो थोड़ा हल्का होता है और ये ऐसे बनता है, और जितरा होता है वो थोड़ा जितरा होता है वो आपका ऐसा होता है क्वेश्चन मार्क की तरह, थोड़ा क्वेश्चन मार्क की तरह। ये ऐसे में। और जो ज्ञा अक्षर ज्ञा होता है वो गाढ़ा होता है और अक्षय की तरह होता है, देख लेते हैं। तो गाइस ये हो गए हमारे अक्षर तरह क्या। तो ये पूरी हो गई वर्णमाला। अब आपको क्या करना है, आपको इसकी डेली प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको डेली एक एक एक्सरसाइज दूंगा इसकी, जो आपको डेली करनी है। हर दिन आपकी जो एक्सरसाइज होगी वो बढ़ती जाएगी, और मैं हर दिन आपको एक्सरसाइज दूंगा जो आपको डेली करनी होगी, जिससे आपकी स्टेनो में स्पीड तो बढ़ेगी और आप स्टेनो करना भी सीखेंगे। और आई थिंक एग्रीकल्चर का जब तक पेपर होगा और उससे पहले आप अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर लेंगे। और स्टेनो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, स्टेनो कोई साल भर का कोर्स नहीं है, जिसे आप रगड़ते रहो करते रहो। एक ऐसा कोर्स है जिससे अगर आप मन लगा के और दिमाग से करते हो तो आप 3 महीने में, मिनिमम 3 महीने में बड़े आराम से कर सकते हो आप। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है और इससे रिलेटेड और चीज़ें जाननी है, आपको एक्सरसाइज में भाग लेना है और आपको मेरे वीडियो से रिलेटेड और जो मैं वीडियो डालूंगा उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, तो आप मेरा जो चैनल है स्टडी स्टेनो जॉब्सकन उसको सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों को भी उसके बारे में जानकारी हो सके। मैं प्रतिदिन इसकी एक्सरसाइज डालता रहूँगा, जिससे आपको करने में आसानी होगी। और हर दिन आपको एक नया रूल बताऊंगा कि इनसे शब्द कैसे बनते हैं, इनसे इनमें जो इसके बाद जो मैं थोड़ा आपको इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, आप डेली आपके लिए वो प्रैक्टिस सेट डालूंगा जिसको आपको हमेशा फॉलो करना है और करना है इसको। और उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा, हमने व्यंजन कर लिए हैं, उसके बाद थोड़ा 2-3 दिन बाद एक्सरसाइज करने के बाद जब आपके वर्ड याद हो जाएंगे तब मैं आपको स्वरों के बारे में बताऊँगा।